सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ जाऊँ एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा मॉड जिस मॉड को यूज करने के बाद आपने माइनक्राफ्ट के ऑलमोस्ट किसी भी मॉब के अंदर मॉर्फ हो सकते हो और दूसरी बात उनकी सारी की सारी एबिलिटीज को अपने अंदर गेन कर सकते हो। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा मॉड है, आपको जरूर पसंद आएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मॉड के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी औसम वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस मॉड को यूज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली जिस भी मॉब के अंदर आपको मॉर्फ होना ना, उस मॉब को किल कर दीजिए, या फिर आपको अगर इसको ओनली मतलब मजे के लिए खेलना है तो आप इसको क्रिएटिव से सारे मतलब कमांड डाल के सारे के सारे जो मॉर्फ है ना उनको अनलॉक कर सकते हो। कमांड बहुत ही ज्यादा ईजी, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है स्लैश फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा लॉक ऑल मॉर्फ मॉब्स या फिर अनलॉक ऑल मॉर्फ मॉब्स। अगर आपने अनलॉक कर रखा है तो आप इसको लॉक कर सकते हो, और लॉक कर रखा है तो ऑब्वियसली अनलॉक कर सकते हो। तो मैंने तो ऑलरेडी अनलॉक कर रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से एकदम मॉड को शो कर पाऊँ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्राउच करना है, और क्राउच करने के बाद आपको जंप मारना है, और जंप मारने के बाद वापस आपको खड़े हो जाना है और कहीं पर भी टैप कर दीजिए। और यहाँ पर जो आपका मॉर्फ मेन्यू ना वो ओपन हो जाएगा, और इसकी जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा कूल है। फिर अगर आपको मेन्यू को चेंज करना है सिंपली टैप कीजिए, यहाँ पर जॉम्बी दिख जाएगा। और अगर आपको बैक करना है तो यहाँ पर आपको क्राउच कर देना है और वापस से टाइप कर देना है। यहाँ पे देखो प्रीवियस हो गया, जो कि बहुत ज्यादा कूल है। अगर आपसे गलती से एक मॉब आगे निकल जाता तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा राउंड अप करके आना पड़ेगा, आप क्राउच करके टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कौन सा मॉर्फ में हम मॉर्फ क्या कह रहा हूँ। तो खैर, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे घास में बनना जाए, क्योंकि घास एक बहुत ही बढ़िया मॉब है, हम उसको लेके उड़ भी सकते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास घास है और क्राउच करके आपको जंप मार लेनी है, जंप मार लेनी है। हाँ, तो गाइस फाइनली हम घास बन चुके हैं। और आपको तो पता है कि घास की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि उसकी हेल्थ कम रहती है और वो मतलब मोटी छोटी छोटी जगह पर घुस नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी है। तो एक काम कर लेते हैं, आप अपने गेम और को सर्वाइवल में स्विच कर लेते हैं, और अपने व्यू को भी यहाँ पे हम थर्ड पर्सन में स्विच कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपने क्या नाम है अपने एजुकेशन एडिशन को टर्न ऑन कर रखा है तो यहाँ पे आप उड़ भी सकते हो। खैर, आई थिंक सो मैंने कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, मेरे को याद नहीं है। और यहाँ पे देखो मेरी पूरी पूरी स्क्रीन घिरा चुकी है, ये घास इतनी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे अपना जो यूआई है ना, ये भी पूरा पूरा घिरा देगा। खैर, ये बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है, मेरे को अपने व्यू को वापस से चेंज कर लेना चाहिए क्या। खैर, अपने पास फायर बॉल भी आ जाएगी जिसको आप फेंक नहीं सकते, जो कि बहुत ज़्यादा कूल है। खैर, काम करते हैं, व्यू को चेंज ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है, आपको भी कुछ ढंग से दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने व्यू को वापस से चेंज कर लिया फर्स्ट पर्सन में, और यहाँ पे मेरे पास एक फायरवॉल आती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। खैर, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, मैं गुस्सा आ रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और कमांड डालते हैं, आई थिंक टू वर्क तो करनी नहीं, मेरे को लगता है स्लैश एबिलिटी में फ्लाई है, तो लेट्स सी। हाँ, तो ABILITY, और यहाँ पे मेरे को @P, और मेरे को लगता है यहाँ पे एक काम कर देनी चाहिए MAYFLY। तो आई थिंक सब हम उड़ सकते हैं, और मैंने ट्रू नहीं लिखा, मे फ्लाई फॉल्स है ना। तो खैर, ये तो सब आप खुद से भी देख सकते हो, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो एक शीप जा रही है, इसको एक पटाखा मारूंगा ये एक ही जगह पे मर जाएगी। और यहाँ पे आप कितने ब्लास्ट कर सकते हो, पूरे पूरे जंगल में आग लगा सकते हो, बहुत ही मजेदार मॉड है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा, अगर आप प्रीवियस करके देखो, प्रीवियस करके यहाँ पे देखो, चिकन को मैंने मारा हूं, पकी पका हमको चिकन मिल गया, तो बहुत ज्यादा कूल बात है। और यहाँ पे आपको फायर रेसिस्टेंस इफेक्ट भी चढ़ जाएगा, यानी कि आप लावा के पूल में जाके नहा सकते हो नेदर में, अगर आप नेदर में मॉर्फ करते हो। तो अगर आपको वापस से स्टीव बनना है तो सिंपली क्राउच कीजिए, जंप मारिए और वापस से खड़े हो जाइए, और कहीं पर भी टैप कर लीजिए। और यहाँ पे देखो मेरी स्किन तो लोड नहीं हो रही। खैर, यहाँ पे 9YT लिखा हुआ आ चुका है। क्राउच करते हैं और जंप मारते हैं, और वापस से मैं नॉर्मल स्टीव बन चुका हूँ। और यहाँ पे अपनी जो हेल्थ है ना वो वापस से रिस्टोर भी हो चुकी है। वापस से क्राउच मारते हैं और जंप मारते हैं, खड़े होते हैं और टैप कर देते हैं। और कौन सा मॉब लेना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे शल्कर तो फालतू है, एक्सलॉटल भी कुछ खास नहीं, विच भी नहीं मेरे को चाहिए, बी ले लेते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं बी बन चुका हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एजुकेशन एडिशन को टर्न ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे मैं उड़ भी सकता हूँ इवन इन सर्वाइवल, जो कि बहुत ज़्यादा कूल है। और यहाँ पे मैं अपने व्यू को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जो बी है ना उसका साइज थोड़ा बहुत छोटा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने व्यू को चेंज कर दिया है, और यहाँ से कहीं तक लग ही नहीं रहा कि ये कोई नकली भी है। खैर, मेरे को फॉल डैमेज पड़ रहा है, तो आपको उसको थोड़ा बहुत संभाल के जलाना पड़ेगा, नहीं तो आप मर भी सकते हो। और यहाँ पे अगर हमको कहीं पे बी नेस्ट दिख जाता ना तो हम उसके अंदर घुस भी सकते हैं। तो मेरे को घुसने के लिए आप देखो ढूंढने तो मैं बैठूंगा नहीं, इससे बढ़िया मैं सोचा क्रिएटिव से निकालो, पर आई डोंट थिंक सो उसमें वर्क करेगा, क्योंकि मेरे को अगर पता है वो जो नेचुरली जनरेट होता है ना उसके अंदर ही हम घुस सकते हैं। तो फिर भी एक बार ट्राई मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मेरे को बी नेस्ट लगाना पड़ेगा, और फिर से मैं इस व्यू में क्यों खेल रहा हूँ पता नहीं। खैर, मैं यहाँ पे देखो मैं
अंदर तो नहीं घुसा हूँ और मेरे को घुसने नहीं आता यार, कैसे घुसते हैं आई डोंट नो। खैर यहाँ पे आप एक ब्लॉक की जगह में भी घुस सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं वापस अपने व्यू को चेंज कर लेता हूँ ना यार, क्या दिक्कत हो रही है। खैर मेरे को तो नहीं लगता कि हम इसके अंदर घुस सकते हैं, घुस तो सकते हैं पर जो नेचुरली जनरेट होता है ना खाली उसी के अंदर, तो इसके अंदर घुसने का कोई सवाल भी नहीं उठता। तो गाइस बाकी का ये मोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपको जरूर पसंद आएगा और इस मोड को आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी शो कर रहा हूँ कि आप इस मोड को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और लिंक मैंने आज से प्रोवाइड करना वापस से मीडिया फायर की शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई मीडिया फायर की लिंक दो, तो मैंने शुरू कर दी देना वापस से। तो कोई नहीं, आपको डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना है, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक वर्ल्ड को क्रिएट करना है और वाइल क्रिएटिंग द वर्ल्ड यहाँ पर आपको पूरे पूरे एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले को टर्न ऑन कर देना है, यानी कि वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट, हॉलिडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम बायोम्स, एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, अपकमिंग क्रिएटर फीचर्स, इनेबल गेम टेस्ट फ्रेमवर्क, एक्सपेरिमेंटल मूलिंग फीचर्स, और अगर आपको किसी भी मॉब के साथ फ्लाई करना है, किसी भी मतलब जो उड़ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ खाली मैं, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन एडिशन को भी टर्न ऑन कर देना है। और सबसे मेन बात यहाँ पे आपको एडवांस सेक्शन में रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक में मॉड प्लस वर्जन 4 को एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे आपको मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है इसलिए ये एक्टिव में शो हो रहा है। तो एक्टिवेट करने के बाद अपनी वर्ल्ड को कर दीजिए क्रिएट, जिसके बाद आपका मॉड एकदम अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस लाइक दिस। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ गाइस बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।